हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आसिफ सलमानी। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिक्स की हेयर स्मूथनिंग की ट्यूटोरियल के बारे में। तो आज हम स्ट्रिक्स की स्मूथनिंग का आपको रिजल्ट दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने हेयर कट कर लिया था और उसके बाद हम बालों में स्मूथनिंग क्रीम लगाएंगे। तो सबसे पहले स्मूथनिंग क्रीम निकाल लेंगे, किसी प्लास्टिक के बाउल में ही निकालना है और उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। क्रीम को निकालने के बाद हम बालों में क्रीम को बैक साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे और हमें पूरे बालों में क्रीम को अच्छे तरीके से लगाना है। सेक्शन बाय सेक्शन हम बालों के अंदर क्रीम को लगाएंगे। ध्यान रखें कि बालों में क्रीम की जड़ों में ना लगाएं, वरना अगर बालों की जड़ों में लगेगी तो स्कैल्प पर इचिंग भी हो सकती है और बाद में डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि बालों में क्रीम जड़ों के अंदर तक ना जाए। स्ट्रिक्स की कैनवोलाइन की स्मूथनिंग की दो क्रीम होती हैं, एक फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। अभी जो है हम फर्स्ट वाली क्रीम को लगा के रख रहे हैं और उसके बाद हम सेकंड क्रीम को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्रीम का हमारा काम होता है कि बालों के हेयर बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है, क्योंकि जब तक हमारे बालों के ब्रेक बॉन्ड नहीं होंगे तो तब तक हमारे बाल स्ट्रेट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इस क्रीम को हमें अच्छे तरीके से बालों के अंदर लगाना है ताकि हमारे बाल अच्छे तरीके से स्ट्रेट हो पाएँ। पूरे बालों में क्रीम अप्लाई करने के 10 से 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि हमारे बालों के बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं या नहीं। अगर हमारे बालों के बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके होंगे तो हम बालों को वॉश कर देंगे। अगर किसी वजह से हमारे बालों के बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते हैं तो हम 10 से 15 मिनट के बाद के लिए और रख देंगे बालों को ऐसे ही, और उसके बाद फिर दोबारा चेक करेंगे कि बालों के बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं या नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बालों के बॉन्ड्स जल्दी ब्रेक हो जाते हैं और कभी कभी थोड़ा लेट होते हैं, इसलिए हमें बीच बीच में चेक करते रहना होता है कि बालों के बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके हैं या नहीं। तो जैसे ही हमारे बालों के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं हम ठीक उसके बाद बालों को वॉश कर देते हैं। 15 मिनट के बाद हमने बालों को वॉश कर दिया था क्योंकि हमारे बालों के जो बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो चुके थे। बालों को वॉश करने के बाद हम अच्छे तरीके से ड्रायर की मदद से बालों को सुखा लेंगे। बालों को हमें 100% सुखा लेना है। बालों को सुखा लेने के बाद हम बैक साइड से प्रेसिंग मशीन बालों के अंदर करना स्टार्ट करेंगे। एक लेयर्स पर हम तब तक प्रेस करेंगे जब तक कि वो सीधे और शाइनिंग ना करने लग जाए। बालों में प्रेसिंग मशीन करने के लिए हमने जो प्रेसिंग मशीन का टेम्परेचर रखा है वो 180 से 200 रखा है, आप भी इतना रख सकते हैं। प्रेसिंग मशीन का टेम्परेचर बालों की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो किसी के बाल ज़्यादा पतले हैं तो वो 170-160 भी टेम्परेचर पर प्रेसिंग मशीन का कर सकते हैं, और अगर बाल किसी का ज़्यादा मोटा होता है तो हम 220 भी टेम्परेचर कर सकते हैं। अगर एक मीडियम है, ना तो ज़्यादा पतला है और ना ही मोटा है, तो हम 180 और 200 रख सकते हैं प्रेसिंग मशीन का टेम्परेचर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रेसिंग मशीन जितनी अच्छे तरीके से हम बालों में करेंगे उसका टेम्परेचर जितना अच्छा होगा हम उतनी अच्छे तरीके से ही बालों के अंदर स्मूथनिंग कर पाएंगे। क्योंकि हम प्रेसिंग मशीन से ही बालों में जो एक नया टेक्सचर देते हैं वो प्रेसिंग मशीन के थ्रू ही हीट करके बालों को नया टेक्सचर दिया जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो प्रेसिंग मशीन का टेम्परेचर हो वो एक अच्छा टेम्परेचर हो। अगर ज़्यादा हीट हुई और बाल पतले हुए हैं तो बाल इस तरीके से जल भी सकते हैं। तो बालों की क्वालिटी के अनुसार ही हमें बालों की पे जो प्रेसिंग मशीन करनी है वो बालों के अनुसार ही करनी है। अगर हम इधर उधर जाते हैं या फिर टेम्परेचर कम या ज़्यादा रखते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। प्रेसिंग मशीन का एक अच्छा रिजल्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए हम अच्छे तरीके से पहले प्रेसिंग मशीन के टेम्परेचर को मैनेज कर लेंगे बालों की क्वालिटी के अनुसार, फिर उसके बाद हम प्रेसिंग करना स्टार्ट करेंगे। और जो भी कुछ समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही उसका जवाब दे दूंगा। तो यहाँ पर बालों के अंदर प्रेसिंग मशीन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमने सभी बालों के अंदर प्रेसिंग मशीन कर दी है और उसके बाद जो लुकिंग आई है आप देख सकते हैं कि बाल किस तरीके से शाइन करने लगे हैं, और उसके बाद प्रेसिंग के बाद क्या लुक आई है। और उसके बाद हम एक इसकी सेकंड क्रीम को बालों के अंदर लगाना स्टार्ट करेंगे, जो कि कैनवोलाइन स्टिक का न्यूट्रलाइज़र होता है। इसको बालों के अंदर हमें पूरे बालों में लगाना है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्रीम लगाई थी पूरे बालों में, ठीक इसको भी उसी तरीके से लगाना होता है। ये थोड़ी पतली क्रीम होती है पहली वाली क्रीम के मुकाबले में, वो थोड़ी गाढ़ी क्रीम होती है। इस क्रीम को भी हमें अच्छे तरीके से ही लगाना है। सेक्शन बाय सेक्शन जितना हम लगाएंगे
उतना अच्छा रहेगा। अभी जैसे कि ऊपर ऊपर लगा देना, ऐसे नहीं हो, पूरे के पूरे बालों के अंदर हमें बीच से भी लगाना है और साइडों में भी पूरे अच्छे तरीके से, मतलब क्रीम से इसको कवर कर देंगे। स्ट्रिक्स की ये जो सेकंड वाली क्रीम है जिसे हम न्यूट्रलाइज़र बोलते हैं, इसको हम जड़ों में भी लगा सकते हैं क्योंकि हमें बिल्कुल नीचे से इसको लगाना होता है। ये इतनी हार्मफुल नहीं होती है जितने की हमारी स्ट्रिक्स की पहली वाली, स्ट्रिक्स की क्या किसी भी कंपनी की हो, वो पहली वाली क्रीम हार्ड होती है, सेकंड वाली जो न्यूट्रलाइज़र होता है वो हार्ड नहीं होती है। पूरे बालों में न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद हम कॉम से उसको सीधा करके रख देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हमें बालों को बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। पूरे बालों में क्रीम को अच्छे से लगा देने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही लगा रहने देंगे और उसके बाद वॉश कर देंगे। 10 से 15 मिनट बाद हम न्यूट्रलाइज़र क्रीम को भी वॉश कर देंगे। न्यूट्रलाइज़र क्रीम के अंदर हमें चेक करना नहीं होता है कि बॉन्ड्स टूटे हैं या नहीं टूटे हैं, इसकी टाइमिंग सिर्फ 10 से 15 मिनट होती है। क्रीम को 10 से 15 मिनट बाद हमने वॉश कर देना होता है, सिर्फ सादे पानी से, कोई शैम्पू वगैरह हमें यूज़ नहीं करना है। बालों को वॉश करने के बाद हम 100% बालों को सुखा लेंगे और 2 से 3 दिन तक बालों को गीला नहीं करेंगे और ना ही हेयर बैंड्स वगैरह बालों के अंदर लगाना है। 3 दिन बाद हम बालों में शैम्पू और कंडीशनर से बालों को वॉश करना है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।